नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अधेश, स्वागत करता हूं आप। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा मिलती है। साथ ही साथ मनोविज्ञान के विभिन्न कॉन्सेप्ट पर स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किसके विनियमन से है? यहां पर बात कर रही है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है कि यह चार ऑप्शन दिया हुआ है किसके विनियमन से है। वहीं पर आप देखेंगे मिश्रित मांसपेशियां, जिसे चिकनी मांसपेशी भी कहा जाता है, कंकाली मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियां और ग्रंथियां। आपने पढ़ा होगा कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार होते हैं, जिसमें से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसी तंत्रिका तंत्र होती है जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि इस किसका विनियमन करता है, जो आपको ऑप्शन दिया गया है किसका विनियमन करता है। तो जो ये चिकनी मांसपेशियां होती हैं, जिसे स्मूथ मसल कहा जाता है, ये हमारी आंतों में पाई जाती हैं, पेट में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है आंतों पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जो कंकाली मांसपेशियां होती हैं उस पर हमारा नियंत्रण होता है, हाथ पैर के जो उंगलियां हैं ये सारी मांसपेशियों पे हमारा नियंत्रण होता है। तो अवश्य ही ये इसका विनियमन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नहीं करता है, हृदय मांसपेशी का भी नियमन करता है और ग्रंथियों का भी नियमन करता है। इस आधार पर आप देखेंगे एक और तीन और चार, यह तीन ऑप्शन आपको मिलता है और वह कहां मिलेगा आपको, थर्ड में, यानी कि जो ऑप्शन सही हो रहा है वह सी सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर बात करें, योग में तुलनात्मक विधि से 12 अभिवृत्ति मदों, यानी कि कुल कितने 12 अभिवृत्ति मद हैं, कि मापनी के एक अध्ययन में कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। जब भी आपको युग्मों की संख्या ज्ञात करना हो या टी टेस्ट निकालना हो तो उसके लिए एक निश्चित सूत्र आता है, आप जानते हैं यन इन ब्रैकेट यन माइनस वन अपॉन टू। इसके आधार पर आप कभी भी युग्मों की संख्या ज्ञात करना है तो आप उसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देखेंगे 12 और n माइनस 1 हो जाएगा 11 अपॉन 2। आप देखेंगे कि 132 अपॉन 2 आप करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 66। तो युग्मों की संख्या कितनी होगी, 66। अगले प्रश्न पर देखते हैं, तो जो मिलान वाला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, सिद्धांत कार का नाम दिया हुआ, प्रेरक संपत्ति दिया हुआ, हल कैनन तीन वर्जन और मैकडूगल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सबसे फेमस है। आप देखते हैं कि जो मैकडूगल हैं वो मूल प्रवृत्ति पर काम करते हैं, जिसे यहाँ वृत्त लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले मैकडूगल को मिला दें यहाँ पर। वहीं अब जब हल की बात करते हैं तो वो ड्राइव की बात करते हैं, प्ररोध की बात करते हैं, तो आप हल को मिला दीजिए सेकंड से। कैनन का आप जानते होंगे हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक जो कि हाइपोथैलेमस एक तरह से होम्योस्टेसिस का काम करता है, शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है, तो आप कैनन को बहुत ही आसानी से मिला देंगे थर्ड से। वही टीम वर्जन बचते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप मिलाएंगे किससे, फोर्थ से। इस आधार पर आप देखेंगे कि जो आपको कूट में आंसर मिलेगा 2, 3, 4 और 1 कहां पर मिल रहा है आपको, फर्स्ट में 2, 3, 4 और 1, और आपका ऑप्शन सही होगा 1। अगले प्रश्न भी मिलान वाला ही है, मनोवैज्ञानिक है और व्यक्तित्व के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, केली, एरिक्सन, एडलर और यूंग। तो आप देखेंगे कि केली, एडलर, यहां पर भी देखेंगे यूंग ने क्या किया था, यूंग ने एक मंडला की बात की थी, तो आप यूंग को मिलाएंगे फर्स्ट से। वहीं केली को आप मिलाएंगे उपनियमन, जिसे कोरोलेरी कहते हैं, आप केली को मिलाएंगे सेकंड से। एरिक्सन, एरिक्सन ने बात की थी विश्वस्तता की, तो आप मिलाएंगे थर्ड से। और लास्ट पे बचते हैं एडलर, तो एडलर को आप मिलाएंगे कंपटीशन से, यानी कि प्रतिपूर्ति से। इस आधार पर आप देखिए आपको कूट में जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है सी, यानी कि 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। जब हम प्रथम स्तर पर किसी वस्तु का संवर्गीकरण करते हैं वही संप्रत्यय सोपानकी का मूल आधार होता है, यानी कि जब भी आप किसी वस्तु को पहली बार देखते हैं तो उसके बारे में एक तरह का कॉन्सेप्ट विकसित करते हैं, उनका संवर्गीकरण करते हैं, वही आगे के संप्रत्ययों के लिए क्या मूल आधार बनता है,
ये बात कही जा रही है। तो आप देखा जाए तो यह बात सही है कि कोई भी चीज जब हम सबसे पहली बार सीखते हैं तो आगे की चीजों को उसको कोरिलेट करके उससे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, यह ऑप्शन तो सही है। वही हम देखते हैं संप्रत्यय एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जाहिर सी बात है जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एसोसिएट होते हैं, इसीलिए हम चीजों को एक दूसरे को संग वर्गीकरण करने में सफल होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है वह आपको मिलेगा कोट में ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। तो अगर आप देखें तो संबंधित तो होते हैं लेकिन जो अभिकथन पूछ रहा है अभिकथन के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो तर्क है वो पूरी तरह से अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे ए और आर दोनों सही, परंतु ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपको ऑप्शन सही मिलेगा बी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडारण में कौन सा प्रक्रिया समूह आ जाता है, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्मृति की बात की जा रही है, इसमें सूचना का जो भंडारण होता है उसमें कौन सी प्रक्रियाओं का समूह आता है। तो आप देखेंगे कि विखंडन यानी कि चुंकिंग की अगर हम बात करें तो यह शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक पार्ट है, तो यह तो नहीं होगा। दीर्घकालिक विभवन यानी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अवश्य ही यह दीर्घकालिक मेमोरी का एक पार्ट है, और दूसरी अगर हम देखें कंसोलिडेशन सुदृढ़ीकरण तो ये भी दीर्घकालिक स्मृति के भंडारण के लिए जाना जाता है। वहीं मॉनिटरिंग की बात करें तो ये नहीं कही जानता। इस आधार पर अगर आप देखें तो छठवां का जो ऑप्शन सही होगा दो और तीन, किसमें मिलेगा आपको दो और तीन मिल रहा है ए में, और आपका ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखें, एक तैल चित्र में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर दूसरे प्रत्यक्षीकरण के सारे संकेत सम्मिलित होते हैं। एक तेल चित्र की बात की जा रही है, तेल में जो परीक्षाएं आती है उसमें दूरी प्रत्यक्षीकरण की कौन कौन से संकेत सम्मिलित होते हैं। वहीं हम रेखी परिपेक्ष की बात करें, लीनियर पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो जाहिर सी बात यह आता है, अक्ष पटलीय विसंगति यानी कि रेटिनल डिस्पेरेसी की बात करें तो अवश्य ही यह नहीं दिखता है, यानी कि रेटिनल डिस्पेरेसी तो होती है, अक्ष पटलीय विभिन्नता तैलीय चित्र में नहीं दिखती है, रचना गुण प्रवणता तो अवश्य ही थोड़ा बहुत दिखती है, और सापेक्ष प्रतिबिंब आकार ये तो अवश्य ही दिखेगा। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो क्या सारे संकेत हैं, कौन सा नहीं दिखता, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि तेल चित्र में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर तो ये अक्ष पटलीय विभिन्नता नहीं दिखती है। आइए अगले प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक दिवस लोग ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जब उन्हें अन्य को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, अन्य को छोड़कर एक विकल्प का चुनना पड़ता है और वे प्रभावी रूप से पुनर्बलन की समवर्ती अनुसूची का उपयोग करते हैं। वहीं आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है ये तो अभिकथन पूरी तरह से सही प्रतीत हो रहा है, तर्क कह रहा है कि सुमेलन नियम यह सुझाता है कि हम उत्तर विकल्पों के बीच से एक प्रकार का चयन करते हैं जिससे हमारे द्वारा चयनित विकल्प के लिए पुनर्बलन अधिकतम हो सकता है। देखिए यहाँ सुमेलन नियम की बात की जा रही है जबकि ये बात कुछ और कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यह आप तर्क जो है वो तर्क गलत प्रतीत हो रहा है। तो इस आधार पर अगर आप ऑप्शन देखें कूट में आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा कि ए सही है और आर गलत है, और वो मिलेगा आपको सी में, और आपका ऑप्शन सही होता है सी। आइए अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा से निरंतर जैविक चर यानी कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है, कॉन्टिन्यूअस जैविक चर की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो लिंग होता है ये जैविक चर तो है लेकिन ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें कि प्रति मिनट हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन तो कॉन्टिन्यूअस होती है और जैविक चर भी है, तो ये ऑप्शन आपको सही मिलेगा। सीसीटीवी डायग्राम की सूचना को जानने के प्रयास किए ये तो हो नहीं सकता जैविक चर के। वहीं बुद्धि की बात करें तो बुद्धि भी एक जैविक चर है और ये भी कॉन्टिन्यूअस होती है। तो इस आधार पर आप देखें तो दो और चार दोनों सही प्रतीत हो रहा है। इस आधार पर आपको ऑप्शन में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सी, केवल दो और चार।
आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से उस सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में ध्वनि तरंगे ग्राही तक पहुंचती हैं, यानी कि कान की संरचना की बात की जा रही है कि कहां से तरंगे और अंतिम जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वहां तक पहुंचने की क्रम को आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, अगर कान की संरचना आपको हमने बताया है कि कान की ऐसी संरचना होती है जहां पे आपको यहां से एक नली मिलती है जहां पे ये पर्दा होता है, पर्दा से ही लगी हुई तीन हड्डियां होती हैं, थोड़ा और निहाई रकाब, और वही रकाब से ही शुरू हो जाता है अर्धवृत्ताकार जो है नलिकाएं होती हैं, और वहां के बाद जो यहां से निकलती है वहां से वो आरटी या कॉर्टी कहते हैं, जहां पे सूचनाओं को रिसीव की जाती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा, ये कान की झिल्ली होगा, इसको आप एक नंबर देंगे। कान की झिल्ली के बाद आप देखेंगे कि आपको मैलियस यानी कि जो ये वाली हड्डी है इसको आप दो नंबर देंगे। हमने बताया तीन हड्डियां हैं, तो उसके बाद फिर तीन नंबर, फिर ये वाली हड्डी आती है जिसे स्टिरप कहा जाता है, इसे आप चार नंबर देंगे, और अंड में अंत में आएगा अंडाकार कवाक्ष यानी कि अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं वहां को, उसको आप कौन सा नंबर देंगे, अंतिम नंबर देंगे यानी पांच नंबर देंगे। तो इस आधार पर आप देखें तो चार पांच चार दो तीन और पांच आपको किस में मिलता है, आप देखेंगे आपको मिलेगा कोट वन में, और आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सही होगा ए। मैं उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिल सके। और आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत